देखिए क्या है, मुझे परसों मैंने जब फिल्म देखी एडिटिंग में, मुझे संदीप ने फिल्म दिखाई कि बोले सर देखो कैसा कैसा लग रहा है आपको। तो मैं तो देखने के बाद एकदम खुश हो गया उसको, क्योंकि पहली बार मैंने संजय दत्त को इतना इमोशनली इतना अच्छा रोल प्ले करते हुए देखा, इतना खूबसूरत काम किया। मतलब नो नो डाउट कि क्रेडिट गोज़ टू उमंग कुमार, इट्स अ गुड, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और मैं सारे सीन देखने के बाद अचानक मेरे मन में आया ऐसा कि इस फिल्म का बैकग्राउंड मैं करूं, तो मैंने मैंने संदीप से कहा यार इस फिल्म का बैकग्राउंड मैं करना चाहता हूं, तो मुझे ये मेरे दिल को छू रही है फिल्म, तो मैं इंशाल्लाह इस फिल्म का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से करके निकल सकता हूँ। बेसिक मेरा उस तरह का नेचर नहीं है कि कहीं भी कुछ भी काम मांग लेना, ये करना, वो सब उन चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ मैं। पर फिल्म में वो खिंचाव मुझे नज़र आया और मुझे सच में मुझे संजय दत्त का काम मुझे बहुत अच्छा लगा यार। इतना इमोशनली पहली बार मैं उस आदमी को इतना डूबा हुआ रोल, हालांकि उन्होंने इससे पहले वास्तव फिल्म भी बहुत अच्छी की थी, वो भी बहुत गजब का काम किया था उन्होंने, लेकिन इसमें उनका एक अलग, एक और एक अलग लेवल पे है वो इंसान। तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपनी पूरी एनर्जी भूमि के बैकग्राउंड में लगाऊं, और कुछ अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं तो अपना जितना जो बेस्ट है मतलब वो करने की कोशिश करूंगा मैं, बाकी तो सब उसकी मर्जी है। ओके, भूमि इज ऑल अबाउट बाबा। तो जब एक पावरफुल कैरेक्टर है, एक बाबा भी जिस तरीके से एंट्री होती है उनकी, तो क्या क्या मतलब दिमाग में रख के आपने वो म्यूजिक बनाया, किस तरीके से आपने सोचा कि क्या क्या करना पड़ा उसके लिए? मैंने कहा ना कि एक्चुअली भूमि जो एक जो जिस तरह की कहानी है उसको, ये वो वाली कहानी नहीं है जिसमें हीरो आता है और तोड़ फोड़ करके 10-15 लोगों गिरा देता है, वो ये उस तरह की नहीं है। बड़ी बड़ी टची, बड़ी इमोशनली कहानी है और हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को लेके ये कहानी है, और थोड़ी अलग तरीके से इस कहानी को प्रेजेंट किया है। तो मुझे वही चीज़ तो अच्छी लगी ना, जिसमें मुझे ऐसा लगे मैं कुछ अच्छा म्यूज़िक कर सकता हूँ इसमें। नहीं तो क्या होता है कि एक रूटीन फिल्म देख देख के आदमी को लगता है हाँ चलो ठीक है। मुझे कुछ थोड़ी सी ऐसा लगा कि इस फिल्म के अंदर कुछ मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ। जब आपको अगर कोई चीज़ अपील करती है ना, तो उसमें कुछ होता है तभी वो चीज़ आपको अंदर से पुकारती है। तो आप देखना ना, आपको भी, आप जब देखोगे तो आप भी मुझे उस वक्त याद करोगे। सर, हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक लंबे टाइम के बाद कम बैक कर रहे हाँ, हैं। थैंक एंड यू। आपने बताया कि बैकग्राउंड म्यूजिक, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक आप पहली बार कर रहे हैं, करेक्ट? मेरे ख्याल से मैं पहली बार ही पहली कर रहा बार, हूँ। हाँ हाँ। और जी सर, जितना मेरा नॉलेज है कि बहुत ही टफ होता है ये जो डिपार्टमेंट होता है, हाँ ये काम, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? और जो आपने म्यूजिक दिया है, आपके म्यूजिक के बारे में कुछ भी जानना मैं एक्चुअली, चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने 22 साल वायलिन बजाया, हाँ 22 ईयर्स, और मेरा घराना जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, प्यारेलाल जी के फादर के पास मैंने सीखा, गणेश अंकल के पास मैंने सीखा जो प्यारेलाल जी के भाई। तो ये हमारी इंडस्ट्री के ऑर्केस्ट्रल खंबे लोग थे जिनको बोला गया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो अभी आप समझ सकते हो कि हम वैसे ही इतनी स्ट्रांग जगह से सब कुछ सीख साख के निकले हैं। और उसके बाद फिर मैंने बहुत अंग्रेज़ों के साथ सिंफनी ऑर्केस्ट्रा में भी काफ़ी वायलिन बजाया, तो मेरा एक एक्सपीरियंस अंग्रेज़ों के साथ काम करने का भी है। तो मैं बड़े अच्छे तरीके से म्यूज़िक को बहुत अच्छे से फ्यूज़न करके निकल जाता हूँ, क्योंकि पर्सनली वो ज़िंदगी मैंने जी है, इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें बड़ी करने में भी बड़ा मज़ा आता है। मैं छोटा छोटा साउंड करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, लगना चाहिए कि यार 70 mm स्क्रीन पर फिल्म बन रही है, तो साउंड भी वैसा होना चाहिए। और साउंड वैसा, सिर्फ सिर्फ साउंड, शोर शराबा का मतलब साउंड नहीं होता है। साउंड का मतलब बहुत अच्छे से आप किसी चीज़ को कंपोज करो। साउंड का मतलब ये होता है कि पियानो के आप 4 नोट ही बजा रहे हो लेकिन वो आपके दिल को छू रहे हैं, वो भी एक साउंड है। साउंड का मतलब ये नहीं कि शोर शराबा वो होने उसको ही साउंड बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने पहले भी 250-300 म्यूजिशियन में, मैंने फिल्मों में अपना, मैं जब काम करता था तब भी मैंने उतने लोगों में काम किया। जब मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन का चांस मिला
तो मेरा ऑर्केस्ट्रा उतना ही बड़ा था, 250-300 लोग से शुरू किया था मैंने। तो किस तरह एक बड़े ऑर्केस्ट्रा को यूज़ करना, तो प्रैक्टिकली हमने वो ज़िंदगी जी है और वो प्रैक्टिकली हमने सीखा है, तो बड़ा मज़ा आता है कि हमारे प्यारे लाल जी किस तरह करते थे। फिर कॉन्सर्ट में वो सारे अंग्रेज़ लोगों के साथ जब काम किया तो वो लोग की सोच क्या होती है। जब पर्सनल कोई चीज़ आप जीते हो और सीखते हो ना, तो उसका मज़ा कुछ और ही आता है। और एक होता है कि सुन सुन के करना, वो एक अलग चीज़ है, बट हमने खुद सीखा, कुछ खुद जिया है उसको, 22 साल ज़िंदगी के उसको दे दिए, फिर उसके बाद हम म्यूज़िक डायरेक्टर बने। क्योंकि सर आपने बताया और हमने देखा भी कि आपको छोटे मोटे काम पसंद नहीं है, और आप हमने देखा भी कि आप उस फैमिली से आते हैं, और हमने ये भी देखा कि आप जिस तरह के आपने फिल्मों में म्यूजिक दिया, चाहे वो हम दिल दे चुके सनम या देवदास हो, या अब हमने आपकी लास्ट फिल्म जो कांची देखी, मेरे यहाँ कृष्णा फिल्म का भी एक गाना बहुत हिट हुआ था, सुभाष जी का, हाँ, तेरा जादू चल गया। तो सर क्योंकि एक लंबे गैप के बाद जब हम देखते हैं कि एक या फिर एक स्टारडम, एक वो स्टारडम आपके पास था, गाने हर किसी के, हाँ, सडनली सर हमारी इंडस्ट्री से गायब हो जाना, तब वो क्या फील करते हैं सर आप, क्योंकि हर किसी के जुबा पे आपके गाने और फिर सडनली आपके गाने आना बंद। असल में क्या होता है ना, देखिए मेरा कुछ काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं ज़्यादा हाजी नाजी नहीं कर पाता हूँ। अगर गाना मुझे पसंद आ गया ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि डायरेक्टर को भी पसंद आना ही चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि डायरेक्टर 10 लोगों को पूछ रहा है। फिर डायरेक्टर का अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो एक तो मैं एक सिचुएशन पे 10 गाने बनाने की आदत नहीं है, मैं एक सिचुएशन पे बड़ी मुश्किल से एक गाना सोचता हूँ, और जब मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि बाकी सबको भी अच्छा लगना चाहिए। और मैं ज़्यादा काम पसंद करना वहाँ पसंद मतलब करता हूँ जहाँ पर, देखिए एक सिंपल सी बात है, मैंने म्यूज़िक सीखा भी और म्यूज़िक के अंदर पूरी बचपना भी गया मेरा, मेरी जवानी भी ख़त्म हुई उसमें। अब मैं बुढ़ापे की तरफ जाने से पहले एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो मैंने जिया है उस ज़िंदगी को। अभी अचानक एक आदमी जिसके पास बहुत पैसा है और वो बोलेगा ये गाना अच्छा नहीं, ये गाना करो, मैं नहीं बोलता हूँ कि उसको सेंस नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा विश्वास रखना चाहिए हम लोगों पर। अगर हम कॉन्फिडेंटली बोलते कि नहीं सर ये गाना आप कोशिश कीजिए, ये गाना नहीं, ये गाना उससे बेटर है, तो थोड़ा सा विश्वास उनको रखना चाहिए। तो बस वही, वो छोटी छोटी बात है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा कहना का मतलब यही है कि भाई थोड़ा सा आप किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर को लेते हो, मुझे ही नहीं, किसी को भी आप अगर लेते हो तो आप उस पर भरोसा कीजिए। अच्छा सर, ये जो आपका ही जवाब में एक और सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो म्यूज़िक की जो परिभाषा है सर, वो बहुत ही बदल गई है। हमने अगर हम आपकी म्यूज़िक को देखें और प्रेजेंट टाइम के म्यूज़िक को देखो, लाउड वो हाइपर डीजे टाइप्स के, जो ये जो बदलाव आया है इंडस्ट्री में, हमारे सोसाइटी में, आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं इंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मेरे 3 लड़के हैं जिसमें से 2 तो डांसर ही है, हाँ, तो मैं इतना तो जानता ही हूँ कि भैया देखो म्यूज़िक अच्छा होगा ना, तो चाहे उसमें कोई भी बीट हो, चाहे आप एक डुगडुगी बजा दो, चाहे आप 10 ड्रम बजा दो, लेकिन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, एक होता है अच्छा या एक होता है बुरा। तो आज जो लोग काम कर रहे हो, बुरा काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो लोग, तो नए नए टेक्निकली साउंड और नई नई चीज़ें, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि अब रोज़ रोज़ तो अच्छा गाना नहीं आ सकता है ना। अच्छा गाना भी देखो बिल्कुल उस बच्चे की तरह जन्म लेता है, बिल्कुल जैसे बच्चा जन्म लेता है ना 9 महीने के बाद। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गाना 9 महीने के बाद जन्म लेता है, बट उसका भी टाइमिंग कुछ ऐसा ही रहता है, क्योंकि वो ऊपर वाले की तरफ से वो एक देन है, बस वो गिफ्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस्माइल दरबार हूँ, मैंने हम दिल दे चुके सनम और देवदास किया है, तो मैं अभी ये भी मैं करूँगा, तो मैं कुछ नहीं करता है, सब करता है ऊपर वाला, ये उसकी तरफ से आता है और वो आप बस। हाँ ओके सर, जैसे कि आपने बोला कि आप एक गैप के बाद में आ रहे हैं, तो कहें कि ऑडियंस चेंज नहीं होती रहती है? कम आपने कांची में म्यूजिक दिया, कांची के बाद में अब आप आ रहे हैं, 2017 हो रहा है, म्यूजिक भी अलग है, लोगों के पास में और भी काफ़ी रैपर्स हैं, म्यूजिक है, इंग्लिश म्यूजिक है, तो एक फिर से ऑडियंस बनाने में कहीं ना कहीं वो रहता है। मैंने देखो आपको कितनी अच्छी बात कही कि अच्छा म्यूजिक जब भी आप दोगे ना, कभी भी दो,
ये वक्त में दो या आने वाले 20 साल के बाद दो, वो कभी फेल नहीं होगा। शर्त ये है कि अच्छा होना चाहिए, और वो अच्छा मैंने आपसे ये भी कहा कि वो कोई गारंटी उसकी कोई नहीं दे सकता है, वो एक कुदरत है, वो ऊपर से उसकी तरफ से वो गिफ्ट मिलता है। और कौन सा इस इंडस्ट्री में कोई डायरेक्टर, एक डायरेक्टर तो बता दो जो ये बता दे कि मैं मुगले आज़म बना के दिखाऊंगा, मैं पाकिज़ा बना के दिखाऊंगा, कोई एक चलो कोई शोले बना के दिखा दे, एक कोई कॉन्फिडेंस से तो ये जो जिन्होंने बनाई है वो भी नहीं बोल सकते, वो भी नहीं कर सकते ये बात। तो ये कुदरत है भाई, तो ये कुदरत है भाई। हाँ मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि अपने काम से प्यार करो, अपना काम अपनी ईमानदारी से करो, और सबसे पहले काम अपना काम पहले खुद को पसंद आना चाहिए। मेरा मानना ये है, अगर आपको अपनी रूह खुश होती है आपकी, देखिए अच्छे काम अपने से बड़ा जज कोई नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं अच्छा गाना बनाता हूँ तो मुझे ये पता है कि मैंने गाना बहुत अच्छा बनाया है, और अगर मेरा गाना अच्छा नहीं है तो वो भी मुझे पहले पता चलता है, यार मेरा गाने में कुछ तो गड़बड़ है, बट मैं बेचने के चक्कर में निकल जाता हूँ, अरे नहीं यार इसमें ये डाल दूँगा तो वैसा हो जाएगा, वो डाल दूँगा तो ऐसे हो जाएगा। बाकी जो डाउट फर्स्ट डाउट आता है ना कि इस गाने में कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ मतलब गड़बड़ ही रहता है। और अच्छा गाना रहता है ना भाई, उसको आप कभी भी कहीं भी 20 साल बाद भी रिकॉर्ड करोगे तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने 20 साल पहले जो गाने कंपोज किए हुए अभी तक तो आए नहीं ना, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि जो जो गाने पे मुझे कॉन्फिडेंस है वो गाने अगर फेल हो जाएंगे तो मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ मैं इंडस्ट्री छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और वो भी किसका, अपनी अपनी खुद की आत्मा का, अपनी रूह का। आप उस वो बहुत स्ट्रांगली आपको जवाब देती है अंदर से। तो मुझे पता है कि मेरे पास अभी भी कुछ गाने ऐसे हैं जो मैंने 20 साल पहले बनाए, मैं जब भी आऊँगा पर मैं उसको अपनी उसी जगह पे निकालूंगा जहाँ मेरी आत्मा बोलेगी। मैं बेचने के लिए या अपने आप घर चलाने के लिए वो गाना मैं बाहर कभी भी नहीं लाऊंगा, उसके लिए स्पेशली मैं भी इंतज़ार करूंगा कि हाँ ये वो जगह है। अच्छा तो मतलब सर हम ऐसा माने कि भूमि के बाद, जैसा कि आपने भी बताया कि कुछ आप अपने गाने ऐसे निकालने वाले हैं, तो हम ऐसा माने कि भूमि के बाद और कुछ आप अपने हुकुम का इक्का निकालने वाले या कुछ धमाका? अभी तो मेरे अभी मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, मेरे चारों इक्के मेरे हाथ में ही हैं, तो अभी तो मैंने अभी तो बाजी भूमि के बाद और क्या आपके अपकमिंग? बस आप लोग दुआ करो, अभी मैं इस वक्त कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि फिलहाल भूमि मेरे दिल में बसी है, और फिलहाल भूमि के बारे में मैं ज़्यादा सोचूं तो अच्छा है, क्योंकि जिस काम की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 20 साल पहले कंपोज कर चुका हूँ, तो मुझे उसका इतना टेंशन नहीं है। लेकिन ये काम मैंने अभी एकदम ताज़ा ताज़ा, और मैंने खुद सामने से इस चीज़ को मांगा है, देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और पहले तो आप ये दुआ कीजिए कि मैं भूमि पर खड़ा उतर जाऊँ, सही भूमिका निभा पाऊँ इसमें। सर आप जाते आते अगर आप सर, जैसे कि हमने आपको देखा कि यार कि जैसे कि हमने देखा कि आप काफ़ी ज़्यादा गैप लिया है आपने, आप बहुत कम काम करते हैं, हाँ। जैसे आपने फिर एक कांची करी फिर उसके बाद में रेस्ट, तो आप कहीं ना कहीं अपने काम को लेके चूजी हैं या आपको उस तरीके की फिल्में नहीं? देखिए मतलब मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ मैं चूजी हूँ लेकिन सामने वाला भी तो चूजी है ना, मैं ऐसा थोड़ी है कि भाई वो भी तो चूजी है ना, उसको लगता है यार ये इस्माइल दरबार तो सुनता ही नहीं है, इसको लगता है ये जो गाना इसने फाइनल कर दिया वही अच्छा है। लेकिन आप यकीन मानो आज तक मैं कान पकड़ के बोलता हूँ, ऐसा नहीं है मुझे कोई ईगो नहीं है, लेकिन जब जब मैंने 100% कहा है कि ये गाना सुपर हिट है तो वो सुपर हिट ही हुआ है, और मैंने जब जब कहा है कि ये सुपर फ्लॉप है तो वो सुपर फ्लॉप ही हुआ है। ओके, भूमि को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस है मन में? मैंने आपको देखिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भूमि को लेके मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई जो चीज़ आपको अचानक ऐसा बोलती है कि यार इसमें मुझे बैकग्राउंड करना है तो उसमें कुछ तो होगा ना भाई। ऐसे तो मैं बहुत सारी फिल्मों का देखते रहता हूँ रिलीज से पहले, बहुत बैकग्राउंड से पहले। तो बैकग्राउंड के साथ में आपने कुछ गाने भी दिए इसके अंदर? नहीं अभी तक नहीं, और भरोसा नहीं, क्योंकि मैं अगर घुस जाऊँगा ना तो फिर देखना फिर ऊपर वाला कुछ ना कुछ करिश्मा करेगा ही। ओके, तो अभी इसके ऊपर काम चालू है कि आपने या काम इसमें हो गया अभी? मतलब नहीं नहीं अभी मैंने जस्ट अभी सोचना माइंड में शुरू किया है। देखो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें कैसी है कि पहले सबसे पहले आपने देखा, उसके बाद वो है ना आपको अपनी रगों में दौड़ाना पड़ता है, उसको वो बहना चाहिए अंदर, और फिर वो अचानक बाहर आएगा।
तो मेरा वो चालू हो गया है, अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर कि किस तरह का थीम होना चाहिए। जितना खूबसूरत संजू बाबा ने काम किया है, संजय दत्त ने, तो जितना खूबसूरत अगर उन्होंने काम किया है तो यार उतना खूबसूरत मुझे भी तो अपना काम दिखाना पड़ेगा ना। क्या क्या रिएक्शन था आपने, आपने जैसे कि बोला कि आपने भूमि देखी, फिर आपके दिमाग में म्यूजिक हुआ कि यार कि हम करेंगे इसका बैकग्राउंड, तो क्या रिएक्शन था बाबा के काम को लेके कि कमबैक जो आ रही है? हाँ, तो लोगों को वो मिलेगा जो दोबारा धमाका एकदम फिर से बाबा? नहीं देखो क्या होता है, मुझे ना एक उमंग कुमार का, संदीप का और संजू बाबा का, ये तीनों मिले होंगे तभी तो ये पिक्चर बनी होगी, मुझे जहाँ तक आप लोग भी समझते हो मैं भी समझता हूँ। तो मुझे इन लोगों का वो कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि आज की तारीख में भी इस तरह की फिल्म की बनाने की भी ताकत रखते हैं, सोचने की भी ताकत रखते हैं और संजू बाबा काम करने की भी ताकत रखते हैं। वो एक जो एक होता है ना, वरना क्या होता है, एक अभी जैसे बाहुबली हिट हो गई तो अभी आधी इंडस्ट्री बाहुबली जैसे सब्जेक्ट ढूंढ रही होगी, बराबर। इससे पहले आमिर खान की फिल्म हिट हुई, क्या नाम था उसका, हाँ दंगल। तो अभी आधे से ज़्यादा कुश्ती वाली फिल्में ढूंढ रहे होंगे, है ना। चलो वो तो दो इंडस्ट्री के पिलर थे, सलमान खान तो वो सुल्तान लेके बाजी मार गए, ये दंगल लेके, बट फिर भी लोग हार नहीं मान रहे होंगे, अभी भी वो सोच रहे होंगे कुछ अलग कुश्ती लेके आए वो, आप समझ रहे हो ना। तो ये लोगों में इतनी हिम्मत है कि इन लोगों ने कुछ अलग सोचा है। मैं तो क्रेडिट तीनों को दूंगा, डायरेक्टर को भी दूंगा, संदीप को भी दूंगा और संजू बाबा को भी दूंगा और भूषण जी को भी दूंगा कि यार ऐसी फिल्म आपने भी बोला हाँ उनको। क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है, आदमी हर बार एक ही चीज़ सोचता है, कमर्शियल हो, ये हो, वो हो। अरे फिल्म अच्छी होती है तो वो कमर्शियल हो जाती है, ऐसा थोड़ी है। Okay. आनंद फिल्म देखो, जैसे राजेश खन्ना जी, जब मैं उनसे खुद उनका पर्सनल सुना था तो उन्होंने कहा था काका जी ने कि इस्माइल भाई आप यकीन मानिए, ये इतना बिजी शेड्यूल रहता था मेरा कि जहाँ मैं शूट करता था वहीं उनसे सेट लगवाता था और सिर्फ कुर्ता चेंज करता था, उसी मेकअप में मैं शूट करता था। और मैंने, मेरी एक आदत थी, मैं म्यूज़िक सेटिंग में भी बैठता था, स्टोरी सेटिंग में भी बैठता था, रशेस भी देखता था, एडिटिंग में भी जाता था। ये एक आनंद ऐसी फिल्म थी जो बस मैं ऐसे ही करके छोड़ दिया, बट जब बनने के बाद है ना बाहर से उसकी खबरें आने लगी, यार कोई एक आनंद फिल्म बनी, उसका ऐसा है, क्या काम किया है, क्या ये हुआ है। आज वो फिल्म आप देखो, काका जी ने कई कितनी फिल्म की उन्होंने, लेकिन आनंद से खूबसूरत फिल्म एक भी नहीं है। तो बॉस ये तो चीज़ है ना, उस टाइम पे थोड़ी सबको मालूम था कि आनंद इतनी बड़ी अमर फिल्म हो जाएगी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अमर चीज़ें जो होती है ना उस पर थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। देखो कामयाबी और नाकामयाबी दो ही अल्फाज है ज़िंदगी में, चाहे आप मुगले आज़म बनाओ चाहे देवदास बनाओ, लेकिन वो फिक्स है। अगर आपको कामयाबी मिलनी है तो मिलनी है, नहीं मिलनी है तो फिर नहीं मिलेगी। ओके सर, जिस तरीके से आजकल जो सिंगल्स बन रहे हैं पुराने गानों को लेकर, उसको नया अडेप्टेशन उनका किया जा रहा है, चाहे वो टम्मा टम्मा हो, चाहे वो चीज़ बड़ी हो, मस्त मस्त, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए वो गाने लोगों को अच्छे लगते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि बप्पी दा ने इतना अच्छा गाना किया है तम्मा तम्मा, जो आज भी मतलब आज भी उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्रेडिट गोज़ टू बप्पी दा, है ना। उनकी और हमको इज्जत करना चाहिए कि यार क्या कंपोज़र का पावर है वो, कि वो आज भी मजबूर कर रहा है कि लो भैया तुम ऐसे मुझे म्यूज़िक नहीं दोगे तो तुमको ऐसे लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो म्यूज़िक आदमी वही सोच के लेता है ना कि आज कौन रनिंग, कौन चल रहा है ना, कौन मार्केट में बिक रहा है। तो ये खुशी की बात है कि आज भी बप्पी लहरी का गाना उसी पैदान पे बिका और उस फिल्म का सबसे बेस्ट गाना था, सोचो वो तम्मा तम्मा। तो मेरा, मुझे अच्छा क्या लगता है ना कि अच्छी चीज़ 20 साल बाद भी अच्छी लगेगी, मैंने यही कहा ना आपको। अब और आगे के 20 साल के बाद हो सकता है कोई और भी तम्मा तम्मा करके निकलेगा यही। तो जो अच्छी चीज़ है ना वो कभी वेस्ट नहीं होती है, अच्छा काम करते रहो, बाकी सब पब्लिक पे छोड़ दो। ओके सर, इसके अलावा और क्या आपकी तरफ से आने वाला है जो भूमि के बाद में? भूमि के बाद में अपनी ऐसी ऐसी भूमिका निभाने वाला हूँ, बस ऊपर वाले से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस वो अपना साथ दे। सर वही, अब जाते आते हम आपसे सुनना चाहेंगे कुछ दो लाइन अगर आप। तो आप हम दिल दे चुके सनम की सुनना चाहते हो कि देवदास की सुनना चाहते हो? देवदास की। तो कौन सा गाना सुनना है आपको? कोई भी सर, आपका फेवरेट, जो आपको देवदास में पसंद है। देवदास में तो मुझे यार वो
मार डाला बहुत पसंद था। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, ओ हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, मार डाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Thank you, sir.